विराट कोहली की नाकामी, फैफ डुप्लेसी की खराब कप्तानी, शाहरुख खान का जादू, साधु ठाकुर का तूफान, आरसीबी ने घुटने टेके केकेआर के आगे। क्या आप भी देखना चाहते हो बेंगलुरु और कोलकाता के बीच का पूरा हाईलाइट वीडियो? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ऐसे क्रिकेट मजेदार खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। आप सबको बता दें, कोलकाता और बेंगलुरु के बीच में कल आईपीएल का मुकाबला खेला गया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान में 20 ओवर खेलते हुए। कोलकाता की बल्लेबाजों की बात करें तो गुरबाज ने 57 रन बनाए, रिंकू सिंह ने 46 रनों की पारी खेली। एक बार फिर से आए साधु ठाकुर अपने साथ तूफान लेके, 68 रनों की पारी खेली सिर्फ 29 गेंदों पर। फिर आए आरसीबी के ओपनर धुलंधर फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली। एक समय ऐसा लग रहा था फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली इस मुकाबले को जल्द खत्म कर देंगे। तेज गेंदबाजों को काफी अच्छी तरह खेल रहे थे दोनों ओपनर बैट्समैन। फिर आए केकेआर के स्पिनर तो आरसीबी ने घुटने टेके। विराट कोहली ने 21 रन बनाए, कप्तान फैफ डुप्लेसी ने 23 रन बनाया और किसी भी बल्लेबाज का बड़ा योगदान नहीं रहा। 123 रनों पर पूरी टीम सिमट गई आरसीबी। कमाल की बात तो ये रही, केकेआर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दिया, 81 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम किया।